अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सुबह का टाइम हम सभी के लिए बहुत ही भागदौड़ भरा होता है। बच्चों के टिफ़िन है, ब्रेकफास्ट है, हमें खुद जॉब पे जाना होता है, साथ में घर में कोई बड़े हैं तो उनका भी लंच है। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि कोई ऐसी डिश हो जो सभी रिक्वायरमेंट पूरी करे, साथ में टाइम भी कम लगे और जब खाने बैठे तो दिल भी खुश हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें करना ये है, 100 ग्राम्स काबुली चना रात भर भिगो कर रख लेना है, जिससे कि सुबह में ये बहुत ही आसानी से गल जाएंगे। 1 टेबलस्पून हम अदरक लहसुन पेस्ट लेंगे। ब्राउन अनियन और टमाटो प्यूरी अगर आप घर में रेडी रखते हैं फ्रेंड्स, तो यकीन मानिए आपका बहुत सारा टाइम बच सकता है। 1 टेबलस्पून चिली पाउडर लेना है। 1 टेबलस्पून छोले मसाला पाउडर लेंगे। अगर आप थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हैं तो चिली पाउडर के बजाय आप छोले मसाला पाउडर की क्वांटिटी बढ़ा लें, क्योंकि इसमें भी चिली पाउडर और गरम मसाला दोनों एडेड हैं। 2 टेबलस्पून ब्राउन अनियन और 4 टमाटो प्यूरी क्यूब चाहिए हमें, जो कि 1 अनियन और 1.5 टमाटर के बराबर है। अगर आप ग्रेवी ज़्यादा चाहते हैं तो टमाटर और प्याज की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा लें, साथ में आपको फिर छोले मसाला और मिर्च भी एडजस्ट करनी पड़ेगी। नमक 1 टेबलस्पून लेना है हमें। साथ में लेंगे 1 ग्रीन चिली और थोड़ा हरा धनिया गार्निशिंग के लिए हम ले लेंगे। छोले कुकर में डाल लें, साथ में नमक भी डाल लें, 1 चुटकी बेकिंग सोडा ऐड कर लें। बेकिंग सोडा ज़्यादा ऐड मत करिए, क्योंकि उससे छोले बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और टेस्ट में भी चेंज आ जाएगा। छोले प्रेशर कुकर के 4-5 विसल्स होने तक गलने दें। ये रेसिपी का सबसे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है। प्रेशर कुकर का प्रेशर रिलीज होने जितना टाइम लगेगा, बस उतनी ही देर में हमारी ग्रेवी बन जाएगी। पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल लेकर उसमें अदरक लहसुन पेस्ट डाल लेंगे और टमाटर प्यूरी भी ऐड कर लेंगे। साथ में अब चिली पाउडर डाल लेंगे, छोले मसाला डाल लेंगे और जो हमने ब्राउन अनियन लिए थे उसकी हम पेस्ट करके मिला लेंगे। इसे ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने ब्राउन किए हुए थे। देखिए, 1 मिनट के अंदर ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम छोले मिला लेंगे। छोले हम बहुत ज़्यादा नहीं गलाएंगे, बस देखिए अब इतना ही हमें उसे गलाना है। इससे ज़्यादा गलाएंगे तो पूरी ग्रेवी थिक हो जाएगी और एक मिठास उसमें आ जाएगी। 1 ग्रीन चिली स्लिट कर लेंगे, उसे डाल देंगे, हरा धनिया भी डाल देंगे और 1 कप पानी मिलाकर इसे हम 2 मिनट के लिए ढककर सिम पर रख देते हैं, जिससे कि सारे मसाले छोले एब्जॉर्ब कर लें। देखिए, हमारे छोले बिल्कुल रेडी हैं। अब आप चाहे इसे पूरी से खाएं या भटूरे से, ये है तो ज़बरदस्त टेस्टी। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पसंद आए तो लाइक करें और ये शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।